अब एक बार ऐसे ही होता है कि जब अगर मैं देने की बात करूं तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा देने वाला कौन है, क्योंकि हमें किसी से एग्जाम्पल तो लेना पड़ेगा। यस, कुदरत तो है, लेकिन हमें आसपास का एग्जाम्पल चाहिए। तो अगर मैं कहूँ तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा देने वाला है वो है आपके पेरेंट्स। उन्होंने जितना दिया है, ज़िंदगी भर बड़े होने के बाद कितनी भी दौलत कमा लो वो नहीं दे सकते आप उन्हें जो उन्होंने आपको दिया है। रात रात भर जागे और आपको सुलाने के लिए उन्होंने अपने रातों की नींद ख़राब की, ये कोई नहीं दे सकता। पैसे इसे तोल नहीं सकते, उसका मोल नहीं चुका सकते। माँ ने आपको 9 महीने अपने गर्भ में रखा और उन्होंने जो तकलीफ सहन की है उस तकलीफ का आप कोई मोल नहीं लगा सकते। अरे वो तो आपसे उसी वक्त से प्यार करने लगे थे कि जब आपको उन्होंने देखा भी नहीं था। यस, प्यार अंधा होता है, क्योंकि उनको आपको बिना देखे ही वो आपसे प्यार करने लगे थे। तो गिविंग की अगर हम बात करें तो पेरेंट्स, पिता दिन भर बाहर मेहनत कर रहा है, पसीने में मेहनत करने के बाद आपकी पढ़ाई के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए पैसे कमा रहा है, और ये सिर्फ कर सकता है एक पिता या माँ। तो उससे ज़्यादा देने वाला कोई नहीं। तो हम इतना तो कर सकते हैं कि वो उन्होंने जितना दिया हम तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हम दे सकते हैं। क्या? एक स्माइल, रेस्पेक्ट, प्यार। उनको हक करके एवरीडे कह सकते हैं, मम्मी आई लव यू, पापा आई लव यू, यू आर द बेस्ट। बस उनके लिए काफ़ी है। वो आप पर इतनी मेहनत इसलिए नहीं कर रहे कि भाई आप धीरूभाई अंबानी बन जाए और कल चल के वो नोट छापे, बल्कि वो इसलिए कर रहे हैं कि बस आपकी स्माइल देख ले, आपका भविष्य अच्छा हो, थोड़ी सी रेस्पेक्ट और थोड़ा सा प्यार, सहारा आपसे मिल जाए, बस इतनी आशा होती है। तो उतना तो हम दे सकते हैं। हो सके तो रोज़ सुबह अपने माँ बाप के पैर छूइए। आप देखिएगा, आप जो भी काम के लिए जा रहे हैं सफलता मिलेगी। बिजनेस नहीं चल रहा है, बिजनेस चलेगा, बिकॉज कुदरत ने आपको उनके माध्यम से भेजा है। सर्किट है, एक वायर है, जैसे ही वायर, अगर वायर को बीच में से काट दूँ तो क्या ऊपर वाला जो आपको देना चाहता है आप तक पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा। तो जिस व्यक्ति की अपने माँ बाप से नहीं पटती, जो माँ बाप के रेस्पेक्ट नहीं करता, गालियाँ देता है या उनके बारे में बिल्कुल बुरा बोलता है, उनके मुंह पर जवाब देता है, उसने डायरेक्टली अपना वायर काट दिया है। ऊपर से वो माँ बाप अगर खुश नहीं है, आपको आशीर्वाद नहीं दे रहे, आप उनके पैर नहीं छू रहे, तो वो चीज़ आप तक नहीं पहुँच रही, वो आशीर्वाद नहीं पहुँच रही। तो क्या करेंगे? वो सर्किट को क्रिएट करेंगे, अपने माँ बाप के फिर से पैर छूना शुरू करेंगे। और पैर जब आप छूते हैं ना तो आपको एनर्जी मिलता है, उनका एक्सपीरियंस मिलता है। कैसे? हमारे शरीर में 3 ओपन एनर्जी सेंटर्स होते हैं। एक होता है माथे में, हाथों में और पैरों के तलवों में। ये 3 सेंटर्स हैं। तो आप देखिए कि आशीर्वाद लेने का जो प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस है, क्योंकि आप सामने वाले के क्या छूते हैं? पैर, जहाँ पर ओपन नाड़ीज है, एनर्जी सेंटर है, ओपन नाड़ी है। पैर छूते हैं किससे? हाथों से। ओपन नाड़ी टच हो रही है और वो आशीर्वाद कहाँ से देते हैं? हाथों से। और कहाँ रखते हैं? सर पर। यानी ये एक्चुअली एनर्जी सर्किट क्रिएट हो रहा है, वो आशीर्वाद एक्चुअली आपको मिल रहा है। तो आज से अगर कुछ देना चाहते हैं तो अपने माँ बाप को रेस्पेक्ट, प्यार, पैर छूना शुरू करें, उनसे प्यार करना शुरू करें, कहें उनको आई लव यू।